मेरे पास में दो दीपक थे, एक राम रूपी सूरज, एक भरत रूपी दीपक। मेरे पास में दो पुत्र हैं जिनको मैं दीपक समझता हूँ, एक राम रूपी सूरज और एक भरत रूपी दीपक। अगर राम रूपी सूरज 14 वर्षों के लिए वनवास को चला गया है तो याद करिएगा, भरत रूपी दीपक में प्रेम रूपी तेल डालती रहना ताकि वह दीपक कभी बुझने ना पाए। केकई ने जो गलती कही है, तुम्हारे पुत्र को तुमसे जुदा कर दिया है, वही गलती तुम्हें नहीं करना कौशल्या। बस तुम्हें इतना याद रखना, तुम्हें भरत रूपी दीपक के सहारे रहना है। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस के अयोध्या कांड की अर्धाली का चित्र खींचा। बोले बारो बारो मोहे कहियो महीपा, जाने भरत सदा बोले भरत के सहारे जीवन निर्वाह करना चाहती हूँ। महात्मा वर, आज वशिष्ठ जी महाराज ने तुरंत सेवकों को आदेश कर दिया। धन्य है आज कौशल्या की सोच, माताओं इतना याद रखना, बस कौशल्या और केकई में यही फर्क है। आज की माताओं के बीच में, देवरानी जिठानी के बीच में अगर यही फर्क हो जाए, केकई बनने का प्रयास मत करना। केकई ने तो केवल आज लीला की है जो परमात्मा ने करवाई है।
लेकिन माताओं इतना याद रखना कि जो प्रेम कौशल्या ने केकई के बेटे को दिया है वही प्रेम आज देवरानी जिठानी के बेटे को दे दे, जिठानी देवरानी के बेटे को दे दे तो विद्वानों का कथा कहना सार्थक हो जाए। कभी घर में किसी के घर में कोई भेद उत्पन्न नहीं होगा। जहाँ पर देवरानी जिठानी अपने अपने बेटों को समझने के बाद में देवरानी जिठानी के बेटे को अपना बेटा मानने लगे, जिठानी देवरानी के बेटे को अपना बेटा समझे, कभी भी फूटन नहीं पड़ेगी, इस बात की गारंटी ये रामचरितमानस देती है। आज राजमाता कौशल्या जी ने जब वशिष्ठ जी महाराज से ये बात कही तो दूत बुलवाए और दो दूत बुलवा करके कहा कि जाओ तुम तो भरत को लेकर के आओ, और जिस समय ननिहाल के लिए प्रस्थान करते हैं तो वशिष्ठ जी महाराज ने कहा था कि दो बातों को छुपा करके रखना, पहली बात राम वनवास की नहीं बताना, दूसरी बात पिता दशरथ के मरने की नहीं बताना, अगर इन बातों का पता चल जाएगा तो भरत जिंदा नहीं बचेगा। आज दूतों ने यही किया, भरतलाल जी को दो बातों को छुपा करके रखा, ये नहीं बताया कि तुम्हारे परिवार में कितना बड़ा षड्यंत्र आज हो गया है, ये नहीं बताया कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारी माता के द्वारा आज देहांत छोड़ करके प्राण छोड़ करके स्वर्गवासी हो गया। बाबा ने कहा बोले खगिसियार बोले प्रतिकूला और सुन सुन भरत होए मन सोला, बोले देखा रा तो भयानक सपना जाग कर रहे कटु को टोकल बिना, सपने देख रहे हैं भयानक सपने देखा, परिवार वालों को सबको दुखित अवस्था में देखा, सुबह जाकर के भगवान शंकर के चरणों में गए और मंदिर में जाकर के भरतलाल जी प्रार्थना करने लगे मेरे परिवार को सुखी रखना। इतने में दूत आ गए तो कहा भरत जल्दी चलो, चल पड़े। आज जैसे अयोध्या में प्रवेश करते हैं ना, जब भरत जी कहीं से आया करते थे तो लोग हृदय से हृदय मिला करके भरत जी हृदय सबके गले मिलते थे, लोग अयोध्या के दौड़ करके हृदय लगा करके आज भरत को भर लेते थे, लेकिन आज भरत को देख करके कोई व्यक्ति हंस नहीं रहा, भरत को देख करके कोई व्यक्ति दौड़ करके राम राम नहीं ले रहा, भरत को देख करके कोई व्यक्ति बोल नहीं रहा। धीरे से रथ चलाने वालों ने प्रश्न कर दिया, भरत बताओ रथ किस माता के भवन की ओर ले चले। भरत जी ने कह दिया रथ ले चलो माता केकई के भवन की ओर। और जब भरत ने कहा कि माता केकई के भवन की ओर ले चलो तो याद करिएगा रथ चलाने वाले कान में उंगली देकर के नेत्र बंद करके विचार करने लगे कि लगता है माँ और बेटे की दोनों षड्यंत्र है, अकेले केकई का हाथ नहीं है कि राम जी सरकार को 14 वर्षों का वनवास हो गया, इसमें भरत का भी हाथ है केकई के साथ साथ। लेकिन पता है ऐसा क्यों कहा भरतलाल जी ने, क्या भरत का हाथ था, क्या भरत की सोच थी कि रामजी सरकार वनवास को चले जाए और मैं राजगद्दी को अपना लूं? नहीं, त्रेता का भाई विपत्ति का बंटवारा करता था संपत्ति का नहीं। एक बात याद रखिएगा, आज का बेईमान भाई संपत्ति का बंटवारा करता है विपत्ति का नहीं। अगर आज के किसी के भाई के ऊपर कोई विपत्ति आ जाती है तो लोग अपने भाई को देख करके हंसते हैं, अच्छा है, लेकिन नहीं, ये वही भारत वर्ष है जहां पर राम और कृष्ण ने, जहां पर राम और भरत जैसे संत ने, आज महात्मा ने इस संसार वालों को दिखाना चाहा, जो सारे संसार के परमात्मा है लेकिन वो भगवान श्री राम जी सरकार भी सहज सरल सुशील बनकर के
के रहे अपने भाई के साथ, अगर यही प्रेम तो भाई भाई के बीच में हो जाए तो कभी भी बंटवारा नहीं हो सकता। पता है जब भी कोई अपने ऊपर मुसीबत आती है, जब भी कोई हमारा नुकसान होता है तो हमारे भाई का ही, हमारे परिवार का, हमारे वंश का हाथ जरूर होता है। पता है क्यों? आज लोगों की ऐसी सोच बन गई है, आज इस संपत्ति ने लोगों को इतना उलझा करके रखा है कि भाई भाई को भूल गया है कि ये मेरा भाई है। एक एकड़ जमीन के पीछे लोग मुकदमा कर देते हैं, कोर्ट में दोनों भाई जाकर के खड़े होते हैं, ये धरती हंसती है कि धन्य है रे मूर्ख। एक ही माँ बाप से जन्म लेकर के दो पुत्र आए, लेकिन दोनों बेटा अदालत में खड़े हैं। जब भी कोई आज दुश्मनी का फायदा उठाएगा तो उसमें अपने बालों का हाथ होता है। एक उदाहरण दे दूं, बड़ी सरल भाषा में समझा दूं। लोहे ने सोने से पूछा, सोना और लोहा दोनों एक दूसरे से चर्चा करने लगे। सोने ने लोहे से पूछा, भैया एक बात बताओ, पिटाई तुम्हारी भी होती है, पिटाई मेरी भी होती है। सोने ने लोहे से पूछा कि पिटाई तुम्हारी भी होती है, पिटाई मेरी भी होती है, लेकिन मैं इतना चिल्लाता नहीं हूं। जब तुम पिटते हो तो तुम्हारे चिल्लाने की आवाज इतनी क्यों आती है? लोहा ने कहा, बहुत अच्छा प्रश्न है। सोना भैया, पिटाई तुम्हारी भी होती, पिटाई मेरी भी होती है। जब कोई सुनार चीज बनाकर के तैयार करता है तो लोहे की हथौड़ी से पीटता है उस सोने को, और जब भी कोई लोहा बनाने वाला लोहार कोई लोहे की चीज बनाता है तो वह लोहे को कूट कूट करके हथौड़े से पीटता है। आज लोहे ने कहा कि दोनों की परिस्थिति एक जैसी है, लेकिन मैं इतना चिल्लाता क्यों हूँ? तुम्हारे चिल्लाने की आवाज इतनी क्यों नहीं आती? मेरे चिल्लाने की आवाज इतनी क्यों आती है? क्योंकि तुम्हें कूटने वाला, तुम्हें पीटने वाला, तुम्हें मारने वाला तुम्हारी बरादरी का नहीं है, तुम्हारा भाई नहीं है। सुनार सोने को लोहे से पीटा जाता है, और मुझे कूटने वाला मेरी बरादरी का ही लोहा है। और जब अपनों की चोट लगती है तो याद करिएगा, दर्द बहुत गहरा होता है, बहुत दुख होता है, बहुत दर्द होता है जब लोग अपने से कूटते हैं। घाव बहुत गहरा होता है, दर्द बहुत होता है। लोहे को कूटने वाला लोहा ही है, अपना इसे मैं कूटता हूँ। एक बार एक व्यक्ति कुल्हाड़ी लेकर के लकड़ी काटने के लिए चला। वृक्ष के पास में एक व्यक्ति जब पहुंचा तो उस वृक्ष को देख करके कुल्हाड़ी हंसने लगी। कुल्हाड़ी ने आज हंसना जब चालू किया तो वृक्ष ने कहा, अरे कुल्हाड़ी बहन तुम क्यों हंस रही हो? उस कुल्हाड़ी ने कहा कि इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा शरीर में तेरा काट करके टुकड़े टुकड़े करके नीचे डाल दूंगी। पता है मैं छोटी सी कुल्हाड़ी हूँ, लेकिन मेरे अंदर इतनी ताकत है कि इतने बड़े शरीर को मैं तोड़ करके काट करके नीचे डाल सकती हूँ। उस समय उस वृक्ष ने हंस करके कहा था, अरे कुल्हाड़ी बहन तेरी क्या औकात थी जो तू मुझे काट करके टुकड़े करके डाल देती? अगर मेरी बिरादरी का मेरे ही शरीर से निकला हुआ एक हाथ का डंडा तुमसे ना जुड़ा होता, एक हाथ की लकड़ी तुमसे नहीं जुड़ी होती, तो तेरी कोई औकात नहीं थी कि जो तू मुझे टुकड़े टुकड़े करके डाल देती। बस दुर्भाग्य यही है, मेरे ही शरीर से निकला हुआ एक हाथ का डंडा, एक हाथ की लकड़ी मेरे शरीर को काटने के लिए तुमसे मिल गई है, तुमसे जुड़ गई है। बस मैं निवेदन करना चाहती हूँ कि आज अगर ठोकर लगती है तो अपनों से ही लगती है, लेकिन त्रेता का भाई संपत्ति का बंटवारा नहीं, विपत्ति का बंटवारा करता था। गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, आज भरत लाल जी जिस समय अयोध्या में आए तो कहा कि रथ ले चलो माता कैकेयी के भवन की ओर।
लेकिन भरत ने ऐसा क्यों कहा? क्योंकि भरत जी को पता था कि जहां पर माता केकई होंगी वहीं पर भैया राम होंगे। पता है कि माता केकई राम जी को कितना प्रेम करती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मांगा करती थी विधाता से केकई, विधाता अगर दोबारा तुमने जन्म दिया मुझे, अगर नारी का रूप बना करके भेजा तो राम जैसा बेटा मेरी कोख से अवतार ले बाबा। कहते हैं केकई बोली, बोली जो भी तू जन्म दे हो कर छो, जो भी तू जन्म दे है कर छो, प्राण से ज्यादा केकई अगर किसी को चाहती थी तो वो राम। यही बात महात्मा भरतलाल जी को पता था। रथ ले चलो माता केकई के महल की ओर, आज सोचा जहां पर माता केकई होगी वहीं पर सारा परिवार होगा। आए यहाँ केकई ने सुना, मेरा बेटा भरत ननिहाल से लौट करके आ रहा। सोने के थाल में घी के दीपक को केकई ने जलाया, घी का दीपक जल करके बुझ गया। और जब केकई के हाथ से दीपक जल करके बुझ गया ना, केकई कहती है, अरे दीपक तूने मेरा मंगल में अमंगल कर दिया। मैं अपने बेटे भरत की आरती उतारने की तैयारी कर रही हूँ, तू जल करके क्यों बुझ गया? उस दीपक से आवाज आती है, महारानी एक बात याद करिएगा, जिसका श्रृंगार रूपी दीपक जल करके समाप्त हो चुका है उसके हाथ से दीपक जलने वाला नहीं है। केकई ने दोबारा दीपक को जलाया, दीपक फिर जल करके बुझ गया। उस दीपक से आवाज आती है, केकई दीपक भगवान को दिखाया जाता है, दीपक इंसान को दिखाया जाता है, लेकिन एक दीपक दीपक को दिखाया नहीं जाता, जो कि भरत तो अपने आप स्वयं में दीपक है, उन्हें दीपक दिखाने की क्या जरूरत है? बाबा ने कहा, बोले बार बार मोहे, अरे कही हो मही पा, और जाने भरत सदा कुल दीपा। वो स्वयं में दीपक है, उन्हें दीपक दिखाने की जरूरत नहीं है। सोने के थाल को एक जगह रख दिया, राज दरबार से भरत का हाथ पकड़ करके राज महल में लाई। आज उस उजड़े हुए महल की ओर महात्मा भरतलाल जी ने एक दृष्टि डाल करके देखा। यहाँ से इतनी गंभीर चर्चा प्रारंभ हो रही है, अगर वास्तविक गहराई से कह दिया जाए तो भरत के चरित्र को कहते कहते सुनते सुनते आंखों से आंसू बरसते बरसते एक समुद्र बनकर के खड़ा हो जाता है। केवल ये कहने सुनने तक की बात नहीं है, ध्यान देना। उस उजड़े हुए महल की ओर देख करके कहा, माँ जब मैं कहीं से आया करता था तो पिता दशरथ, माता कौशल्या, भाभी सीता, भैया राम, सारा परिवार यहीं पर मिला करता था, लेकिन आज बोले कहो कहता भ्राता। सारा परिवार कहाँ है? तो जनक नंदनी जानकी दिखाई नहीं दे रही?
जी का है, याद करो। भरतलाल जी जब जानकी का नाम लेते हैं ना, तो कहते हैं कि आंखों से आश्रुओं की धार फूटने वाली है, लेकिन रोक लिया, क्योंकि जिस समय केकई ने बलकल के वस्त्रों को पहनाया था, जिस समय केकई ने माता जानकी को बलकल के वस्त्र दिए, लेकिन माता जानकी वो बलकल के वस्त्र पहनने नहीं चाहती, पहने ही नहीं, देखे ही नहीं कैसे पहने जाते हैं। महाराज जनक की बेटी जो इतने बड़े महाराज जनक विदेह राज है, उसकी बेटी क्या जाने कि साधुओं के वस्त्र क्या होते हैं, लेकिन धन्य है उस नारी ने अपने पति के लिए सारे संसार को छोड़ करके अपने पति का पीछा कर लिया। नारी वो है, पता है, क्योंकि माता जानकी से पिता जनक ने कहा था, दो मिनट के लिए मैं बहक रही हूं। बड़े ध्यान से सुनना माताओं, इस बात को जिंदगी की डायरी में नोट कर लेना। जनक जी महाराज ने जब अपनी बेटी को विदा किया था तो कहा था, बेटी ससुराल जा रही है। महाराज जनक जब उर्मिला को विदा करते हैं तो इतने घबराए नहीं, मांडवी जी को डोली में बैठाला तो घबराए नहीं, सुत्कीर्ति को बैठाला तो इतने व्याकुल नहीं हुए, लेकिन जब जानकी को डोली में बैठाल करके जाने की तैयारी हुई, जब सीता जी का हाथ पकड़ करके महाराज जनक जी के सामने सखियां ले जा रही थी, एक दृष्टि से माता सुनैना ने जानकी की ओर देखा, जिसकी आंखों से आंसुओं की धार लगी है, माता जानकी से प्रश्न कर दिया सुनैना ने, बेटी क्यों रो रही है, क्या कारण है, क्या तू इसलिए रो रही है कि जिस माँ बाप की गोदी में छोटे पन से बाल पुष्कर के बड़े हुए हैं, आज तू उस माँ बाप को छोड़ करके जा रही है, क्या तू इसलिए रो रही है कि जिस माँ बाप की गोदी में खेली, जिस आंगन में खेली, वो आज गलियां छोड़नी पड़ रही है, क्यों रो रही है। उस समय सीता जी अपनी माँ के गले से लिपट करके बोली, माँ मैं इसलिए नहीं रो रही हूँ कि जिस माँ बाप की गोदी में खेल करके बड़ी हुई, उस माँ बाप को छोड़ना पड़ रहा, ये मेरी मजबूरी है। मैं इसलिए नहीं रो रही कि आज जनकपुरी के आंगन को छोड़ करके अवधपुरी के आंगन को अपना घर समझना होगा, तो तेरे रोने का कारण बस मेरे एक रोने का एक ही कारण है, पता है। महाराज जनक जी की ओर देखा, जहां पर पिताजी थे, पिताजी का हाथ पकड़ करके आज वो माता जानकी ने अपनी माता सुनैना से कहा था, माँ मेरे चले जाने के बाद मेरे पिताजी को इस राज महल में कोई संभालने वाला नहीं होगा, जितनी देखरेख बेटी करती है उतनी देखरेख बेटा कभी नहीं करता। और जब ये बात तुमने माता जानकी के मुखारविंद से सुनी, महाराज जनक जी मिटी देह मर्याद ज्ञान की मर्यादा को तोड़ करके महाराज जनक जी व्याकुल होकर के पछाड़ खा करके वसुंधरा पर गिर पड़े, और जाकर के जनक जी महाराज सीता की बात को याद करके जनक जी दशरथ जी के पास में गए और झोली पसार दी। महाराज एक बात मैं तुमसे निवेदन करके मांगना चाहता हूँ, एक वरदान दे दो। जब दशरथ जी ने कहा था क्या चाहते हो, जनक जी ने कहा था अगर मेरी बेटी जानकी से भूल से भी कभी गलती हो जाए तो उसे ये बात सोच करके मत डांटना कि ये गलती जानकी ने की है, बल्कि ये सोच करके क्षमा कर देना कि सीता के माता पिता ने सीता को संस्कार नहीं दिए। और लौट करके माता जानकी के पास में आए और कहा था, बेटी दोनों कुलों को लेकर के चलना है, बेटे के सिर पर तो एक ही कुल का भार रहता है, लेकिन बेटी के सिर पर दोनों कुल का भार रहता है, अगर कभी विपत्ति आ जाए तो उस मुसीबत में पति का हाथ नहीं छोड़ना, अगर कभी पति के ऊपर मुसीबत आ जाए तो पति का हाथ कभी नहीं छोड़ना,
माता जानकी ने जो करके दिखाया, प्रमाण दे दिया। पता है चित्रकूट की वसुंधरा पर महात्मा जनक जी महाराज जानकी से जब मिलने के लिए गए, राम जी का 14 वर्षों का वनवास हो गया है, आज अयोध्या से लोग मिलने के लिए गए, जनकपुरी से लोग मिलने के लिए गए, कौशल्या के चरणों की सेवा माता जानकी जी कर रही थी। कौशल्या जी को याद करके आज महाराज जनक जी कहते हैं, कौशल्या तो है मेरी बेटी को संभालने वाली, अगर महाराज इस दुनिया से उठ करके चले गए हैं तो सास नहीं है, वो माँ है कौशल्या, लेकिन सुने ना, फिर भी मैं अपनी बेटी को एक बार देखना चाहता हूँ। और कहा कि जिस दिन से मैंने बेटी जानकी को विदा कर दिया है, महाराज ने कहा था सुनैना, जिस दिन से मैंने बेटी को मंडप के बीच नीचे पीले हाथ करके विदा कर दिया, उस दिन से बेटी जानकी को मैंने देखा नहीं है, एक दिन मैं अपनी बेटी जानकी को एक बार देखना चाहता हूँ। शादी के बाद मेरी बेटी कैसी लगती है, विवाह के बाद मैं अपनी बेटी को देखना चाहता हूँ। जाओ कौशल्या से कहो, अगर थोड़ी देर के लिए जानकी को भेज दे तो बहुत अच्छी बात, मैं मिल लूं। एक पिता अपने बेटे के लिए इच्छा जागृत करना, चल पड़े कौशल्या जी के पास में। सुनैना जी जहां पर सीता जी चरणों को दाब रही हैं कौशल्या के, हाथ जोड़कर के महारानी सुनैना ने प्रार्थना की, महाराज श्री का ऐसा कहना है, बहन अगर तुम्हारा आदेश हो तो सीता को भेज दो, ले जाओ, कौन सी ऐसी अभागनी सास होगी जो अपनी बहू को उसके पिता से मिलने के लिए रोकेगी, नहीं, जाओ सीता, चल पड़ी। आज माता जानकी जी जो बलकल के वस्त्रों को पहने हैं, अयोध्या वालों ने जानकी को जब देखा तो जनक जी महाराज के पास में आकर के कहा, महाराज आपकी बेटी आपसे मिलने के लिए आ रही है। एक दृष्टि से महाराज जनक जी ने देखा और विदेहरा जनक ने देख करके कहा, नहीं ये मेरी बेटी नहीं है। अयोध्या वाले बोले, नहीं महाराज पहचानिएगा, ये आपकी बेटी सीता है, नहीं विश्वास नहीं होता कि ये मेरी बेटी जानकी है, ये तो कोई बन की तपस्विन है जो बलकल के वस्त्रों को पहने आ रही है, ये कोई बन की देवी है। और जब सीता जी पास में आई, एक बेटी ने अपने पिता को शादी के बाद पहली बार देखा, और जब पहली बार देखा तो जानकी के आंखों से आश्रु फूट पड़े।